नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पावर पॉइंट के इस फुल कोर्स में। आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर टू। लेसन नंबर वन में हमने देखा कि कैसे हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल के डिज़ाइंस देखे हमने, टेबल के लेआउट देखे, बड़ा ही सिंपल था। आज भी बड़ा सिंपल रहने वाला है, तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक करते हैं और न्यू स्लाइड कर लेते हैं। न्यू स्लाइड करने पे हम ये जो आया है इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। परफेक्ट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से रेड बटन दबा के चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। हाँ जी, तो यहाँ पे इंसर्ट टैब में हम टेबल वाली प्रॉपर्टीज़ चेक कर चुके हैं। आज हमने करना है पिक्चर्स। तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर्स का ऑप्शन है, मैं क्लिक करता हूँ। परफेक्ट। मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगा और अपनी मर्जी की कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूं। परफेक्ट। तो ये देखिए मेरी एक पिक्चर इंसर्ट हो गई है जो कि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी प्रेजेंट थी। अगर मेरे कंप्यूटर में कोई पिक्चर प्रेजेंट नहीं थी तो क्या करना है, तो वहीं पे इंसर्ट टैब में जाते हैं दोबारा। यहाँ पे देखिए, अगर मेरे को अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं स्क्रीन क्लिपिंग के इंसर्ट करूँगा। यहाँ पे मेरे को, अगर देखिए यहाँ पे एक प्लस का साइन आ चुका है। अगर मुझे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा तो देखिए इतना एरिया हाईलाइट हो चुका है, और मैं इस क्लिक को छोड़ देता हूँ तो देखिए उतना एरिया उसने कैप्चर करके मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की टेम्पलेट में इंसर्ट कर दिया है। परफेक्ट। एक और ऑप्शन है फोटो एल्बम का, जहाँ पे मैं एक से ज़्यादा फोटो एल्बम सेलेक्ट कर सकता हूँ, पूरी फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। परफेक्ट। एक तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर्स का, करके देखते हैं। आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए इसके लिए। मैंने ऑनलाइन पिक्चर्स पे कलेक्ट किया तो मैंने ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज आ गई हैं, एप्पल, एनिमल, एरोप्लेन, बलून्स, बेसबॉल वगैरह वगैरह। अगर मैं फ्लावर्स पे क्लिक करता हूँ देखिए, तो मेरे पास डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स आ गए हैं। तो मैं मान लो इस फ्लावर पे इंसर्ट कर देता हूँ, वो डाउनलोड करेगा पहले पिक्चर को और देखिए क्या ब्यूटीफुल पिक्चर मेरे पास विद इन सेकेंड्स मेरी स्क्रीन पे इंसर्ट हो चुकी है। परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, आगे के काम करने के लिए मैं ये दो पिक्चर्स हटा देता हूँ। जो बेसिक पिक्चर थी मेरी एक, मैं हम उसी पे काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ और मैं इस स्क्रीनशॉट को डिलीट कर देता हूँ और इस पिक्चर्स पे मैं क्लिक करता हूँ। परफेक्ट। देखिए मैं जैसे ही इस पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब खुल जा रही है, जिसके अंदर मेरे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि स्पेसिफिक है मेरी इस पिक्चर के लिए। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम टेबल को रिसाइज कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हम इमेज को भी रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं साइज डिफाइन कर सकता हूँ इसको। सबसे पहली चीज़ होती है इमेज इंसर्ट करते ही कि उसका साइज़ करेक्ट करना या पिक्चर को क्रॉप करना। क्रॉप करना मतलब उसको छोटा करना या बड़ा करना। बेसिकली हम इसमें छोटा ही करते हैं, काटते हैं पिक्चर को कैंची से। कैसे काटते हैं देखिए, यहाँ पे अगर मैं क्रॉप इंसर्ट सेलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरे ब्लैक बॉक्सेस आ जाएंगे चारों तरफ। इन पे मैं क्लिक करूँगा, जैसे ही इन पे मैं एरो लेके आऊँगा तो यहाँ पे एक एरो बना आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे ऐसे मेरी मेरी जो इमेज है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। अगर मुझे ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये मैंने पिक्चर को कंप्रेस कर दिया है जिससे उसकी डायमेंशंस बिगड़ जाती हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है देखिए, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का ऐसे एक ऐसा बना आएगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं कह सकते इसको, टी शेप कहेंगे। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और ड्रैग करना शुरू करूँगा। देखिए अगर मैंने ऊपर से ड्रैग किया, मैंने लेफ्ट साइड से ड्रैग किया, मैंने राइट साइड से ड्रैग किया, और अब मेरा जितना ये एरिया है उतनी ही मेरी पिक्चर कट के छोटी हो जाएगी। यहाँ पे मैं फिर से क्रॉप कर देता हूँ तो देखिए मेरी उतनी ही पिक्चर आएगी, बाकी सारी उसने काट दी है। परफेक्ट। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड का, जो कि हम यूज़ करते हैं कि अगर कोई किसी ह्यूमन की पिक्चर है, ह्यूमन की मान लो किसी लड़के की या लड़की की पिक्चर है और उसके पीछे कोई बैकग्राउंड है और हमने रिमूव करनी है, उस केसेस में इसको यूज़ किया जा सकता है। देखिए अगर मैंने इसमें अप्लाई किया है तो इसने पूरा इसको ख़राब कर दिया है, तो मैं इसको डिस्कार्ड ऑल चेंजेस कर सकता हूँ। अगर मेरे को किसी पिक्चर दूसरी की रिमूव बैकग्राउंड करनी है तो उसमें मैं इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास करेक्शंस का, देखिए
यहाँ पे मेरे पास प्रीसेट्स हैं, मेरे को शार्पन करना है, मेरे को ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के साथ डिफरेंट प्रीसेट्स माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही प्रोवाइड कर रखे हैं। मेरे को पिक्चर को डार्क करना है, मैं डार्क ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे को पिक्चर को लाइट करना है या ब्राइटनेस बढ़ानी है या कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है तो मैं दूसरे ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मैं पिक्चर का कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से देखिए मैंने ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लिया है, मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया है, मैंने ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया है, मैंने कुछ ऐसा सेलेक्ट कर लिया है आर्टिस्टिक इफेक्ट टाइप। यहाँ पे देखिए, अब देखिए मैंने अब इसमें इतने सारे चेंजेस कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी एक ही क्लिक में जो ओरिजिनल पिक्चर थी वो वापस आ जाए, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है रीसेट पिक्चर का, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरी पिक्चर रीसेट हो सकती है। अब मेरी जिस साइज़ की मेरी इमेज है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसी साइज़ की इमेज, क्योंकि मैं इसको क्रॉप कर चुका हूँ, बहुत सारा काम कर चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी इमेज सेम साइज़ की इंसर्ट करूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे चेंज पिक्चर का। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ फ्रॉम अ फाइल और मैं अपने डेस्कटॉप से कोई दूसरी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। परफेक्ट, तो देखिए उस पिक्चर की जगह ये पिक्चर इंसर्ट हो गई है। परफेक्ट, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और ऑप्शन है आर्टिस्टिक इफेक्ट्स का। देखिए यहाँ पे कुछ हैं ऑप्शंस, थोड़ा सा टाइम लेंगे ये लोड होने में। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ ऐसे ही बन गई है। और अगर आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हम एक्सप्लोर करें तो हम इसको कुछ ऐसा बना सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना पावर पॉइंट खोलिए और इनको एक्सप्लोर करिए, डिफरेंट ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट, फिर से मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और इसको रीसेट कर देता हूँ। ओरिजिनल पिक्चर हमारी आ चुकी है। फिर यहाँ पे है हमारा पिक्चर स्टाइल्स, कुछ प्रीसेट्स हैं, कुछ बॉर्डर्स हैं डिफरेंट तरह के, आप एक्सप्लोर कीजिए, जौन सा आपको पसंद आए वो हम यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट, फिर हमारे पास है यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर। देखिए मैं ब्लैक कलर का या ऑरेंज कलर का या येलो कलर का पिक्चर बॉर्डर सेलेक्ट करना चाहूँ, यहाँ से मैं उसका वेट बढ़ा सकता हूँ, थिकनेस बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से मैं उसके स्टाइल्स चेंज कर सकता हूँ। तो ऐसे करके मैं डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा एक पिक्चर लेआउट है, कुछ ऐसे मैं इसके साथ ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। देखिए स्पायरल पिक्चर है, या मेरे को इसके साथ कुछ टेक्स्ट लिखना है, इसके मैं कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ, इसमें मैं डिफरेंट देखिए ग्राफिक्स हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसमें। अगर आपको किसी इमेज के साथ टेक्स्ट लिखना है तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं, बट मैं कभी भी इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें क्या हैं मैं आगे चल के बताऊँगा आगे के लेक्चर्स में। इनमें जो टेक्स्ट का साइज़ है या इनको मॉडिफाई करना थोड़ा मुश्किल रहता है। हम बेटर ऑप्शन भी एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट, अभी के लिए मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ ताकि हम ओरिजिनल इमेज पे आ जाएं। परफेक्ट, यहाँ पे हम फॉर्मेट टैब पे थे। परफेक्ट, तो इतना कुछ हमने सीख लिया है कि पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट करना है, कैसे उसको चेंज करना है, या कैसे उसको हमने डिफरेंट ऑप्शंस देने हैं, बॉर्डर्स देना है, कलर करेक्शन करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं।